नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसमें मिलती रहती है आर्मी भर्ती की पल पल की अपडेट तथा आर्मी के जो भी पेपर लगते हैं उनका सॉल्यूशन। तो बिना देरी के इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। इस वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा 1000 लाइक आपको करना है, फिर ही अगला वीडियो आ पाएगा जो हमारा अगला वीडियो होगा, जिसमें मैं मैथमेटिक्स के, आप सबको पता है मैंने 11 क्वेश्चन आपको टीए भर्ती 1 दिसंबर 2019 यानी कल पेपर लगा था उसके मैथमेटिक्स के 11 क्वेश्चन करवा दिए, और जीके साइंस के पूरे 30 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 4 क्वेश्चन जो बचे हैं वो भी हमारे पास आ गए हैं, लेकिन वो वीडियो मैं तब लाऊंगा जब इस वीडियो का टारगेट पूरा हो जाएगा 1000 लाइक। और आप सबको पता होगा 1 जनवरी 2020 से यानी नए साल से इस चैनल पे आपको एक तोहफा मिलने वाला है, तो आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। 1 जनवरी को हम इसकी घोषणा करेंगे क्या होगा वो तोहफा उसकी। चलो आज हम बात करने वाले हैं टीए भर्ती जो सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और ये क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया है रूप सिंह जी जो हरियाणा से है, तो थैंक यू रूप सिंह जी जिन्होंने इतनी मेहनत से हमें पेपर प्रोवाइड किया है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप सभी भाइयों से भी यही अनुरोध है कि आप भविष्य में भी जो पेपर लगे उनका हमें पेपर प्रोवाइड करते रहिए, आपका नाम वीडियो में बोला जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर लो। चलो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आया था, क्या क्वेश्चन आया था, बल्ब में कौन सी गैस होती है, क्या क्वेश्चन था, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो बल्ब में आप सबको पता है एक्रिय गैस आर्गन भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है, बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, एक्रिय गैस जो कि, और आपको पता है बल्ब का तंतु होता है वो बना होता है टंगस्टन का, तो ध्यान रखना गैस की बात करें तो आर्गन और तंतु की बात करें बल्ब के तो वो होता है टंगस्टन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। आगे बात कर लेते हैं बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको सबको पता है बेकिंग सोडे का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए खाने का सोडा या मीठा सोडा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम की बात करें तो। और धोने के सोडे का सूत्र ये होता है, ये धावन सोडे या धोने के सफाई करने का सोडा ये इसका है सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ये, और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडे का सूत्र है जो आपके आया था वो देख लेना, ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे थे बेकिंग सोडे का आया था, धावन सोडे का आया था तब तो ये करना था आपको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके आया था प्राथमिक रंग कौन कौन से, ये दोस्तों आपको ध्यान से करना चाहिए था, लाल नीला और हरा यदि ऑप्शन में है तो ये कर सकते हो आप प्राथमिक रंग, ये आपको पता है भौतिक शास्त्र में जो प्राथमिक रंग है वो लाल नीला हरा माना जाता है, जबकि चित्रकला के क्षेत्र में माने प्राथमिक रंग तो लाल नीला और पीला, यदि आपको कोई नाम नहीं लिखे तो यही आपको सही करना चाहिए था, ज़्यादा फिर आपको निर्भर करता है कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, दोनों दे रखा है तब आपको ये करना है, और यदि दोनों हो तब तो ये करना है, और यदि दोनों में से एक हो कोई तो वो करना है, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है, लाल नीला हरा आपके ऑप्शन में था तो वो करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण आप सबको पता है क्या है, हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या था, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, दोस्तों वीडियो को लाइक करो, इतना लाइक करो और दोस्तों इतना शेयर करो कि प्रत्येक आर्मी की तैयारी करने के पास ये आपकी सूचना पहुंच जाए। 1 जनवरी से जो आपको आर्मी वालों को तोहफा मिलने वाला है इस चैनल पे, तो वो तोहफा क्या होगा शीघ्र 1 जनवरी की घोषणा की जाएगी। चलो ये क्वेश्चन क्या था कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, आप सबको पता है कौन है, पारा है या लेड कहे ये, ठीक है, जो भी है मरकरी भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम मरकरी लेड जो भी आपको ध्यान रखना जो आया था, ठीक है। अगला है गाड़ी चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, गाड़ी चालक के यानी बगल में यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए आप सबको पता है कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। पीछे के दृश्य की बात करें तो पीछे का दृश्य देखने के लिए बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल होता है, और हेडलाइट की बात करें तो वह आपको पता है कौन सा होता है, अवतल होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके आया था किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है, यहाँ रक्त है, ठीक है, रक्त आता है, यह आपको ध्यान रखना रक्त आता है, यहाँ मैंने टाइप नहीं किया भूल में, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में क्या आने शुरू हो जाता है, रक्त शुरू हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सोनार का उपयोग किया जाता है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, आप सबको पता है समुद्र की गहराई नापने में सोनार का प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं दुश्मनों की जो पनडुब्बी होती है उसकी स्थिति जानने के लिए, जो भी ऑप्शन में था वो करना था, या सोनार का पूरा नाम भी आ सकता है वो भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है,
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम आया होगा या सूत्र आएगा, सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। सोडियम क्लोराइड किसका नाम होता है? यानी साधारण नमक का सूत्र तो NaCl और नाम कई रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड होता है, जो भी आपके आया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आया था, निम्न में से सोडियम का प्रतीक होता है। दोस्तों आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैथमेटिक्स का पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया गया, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 4 क्वेश्चन जो बच गया उसी करी में लेकर आने वाला हूँ। आपको टारगेट बताया दिया, 1000 लाइक पूरे होने पे अगला वीडियो आएगा। चलो दोस्तों इसका आपको पता है सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है, और ये सोने का होता है Au, और ये प्लेटिनम का है, और ये सिल्वर चांदी का है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपके सोडियम का आया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके आया था, त्वचा का रंग किस से बना होता है? तो मेलानिन से बना होता है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके था, निम्न में से मानव निर्मित नहीं है, यहाँ कई बता रहे कि कीट से निर्मित नहीं किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, जो भी आपके था वो आप देख लेना। तो इसका उत्तर होगा केसर। क्या होगा? केसर होता है, जो कि मानव निर्मित नहीं है, आपको पता प्राकृतिक है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक किसकी बनी होती है? आप सबको पता है नरम लोहे से बनाई जाती है, जो चुंबक होती है, विद्युत चुंबक कहते हैं जिसे हम हिंदी में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो यानी जनरेटर है, जो कि आपको पता है वो किस में बदलता है? डायनेमो कहे तो वो बदलता है आपको, विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उसके माध्यम से, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आप सबको पता भी होगा, उत्तराखंड में है। कहाँ है? जिम नेशनल कार्बेट पार्क है, वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु की बात करें तो यहाँ होनी चाहिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सबको पता होगा कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आया था, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये आपको पता है अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, लोकमान्य के नाम से किसका नाम यानी किसको प्रसिद्ध है? वो है आप सबको पता, बाल गंगाधर तिलक है, वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आया था, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? गुण नहीं, सॉरी, यहाँ कण लिख लेना, कण होते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो यहाँ आपको ध्यान देना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये करना था आपको ऑप्शन ए राइट, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि आपको पता परमाणु की नाभिक में स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आया था, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो आपको पता है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, ये कहे पहले नाम कोलकाता का पहले नाम कलकत्ता था, तो कलकत्ता भी आपके ऑप्शन में था, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोलकाता या कलकत्ता दोनों एक ही बात है, क्योंकि कोलकाता का पहले नाम कलकत्ता था। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो आप सबको पता है खालसा है पंथ, उसके संस्थापक है गुरु गोविंद सिंह जी। कौन है? गुरु गोविंद सिंह है, वो क्या है? खालसा पंथ के संस्थापक है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम या ऐसे आया होगा रेगर मिट्टी को, रेगुर मिट्टी जो भी है उसको क्या कहते हैं? तो आपको पता है काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप सॉरी सॉरी लोकसभा नहीं, राज्यसभा, राज्यसभा का आया था आपके, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये क्वेश्चन आपका आया था, यानी राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है उपराष्ट्रपति। भारत यानी सभापति की बात करें, राज्यसभा का सभापति या कहे राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? वो उपराष्ट्रपति करता है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, चोरी चोरा कांड है, चोरा चोरी कांड या चोरी चोरा कांड है, वो कब हुआ था? आप सबको पता है यानी 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है एकदम। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके है, भारत में कारखानों में काम करने वाले जो होती है उनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो आप सबको पता है पहले तो आपको पता है कितनी थी, 14 थी, लेकिन अब 16 कर रखिए, वर्तमान के हिसाब से देखिए तो 16 वर्ष है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि आपके ऑप्शन में 16 नहीं था, 14 था, तो आपको 14 कर देना चाहिए था, लेकिन 16 था तो वही करना है,
यदि 16 नहीं था तो 14 करना था, ये जो भी आपके ऑप्शन में था वो देख लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यदि आपको कार्टोग्राफी दिया हुआ था, कार्टोग्राफी दिया हुआ तब तो आपको कार्टोग्राफी ही करना है। यदि आपके कार्टोग्राफी न देकर केवल भूगोल दे रखा हो, कार्टोग्राफी नहीं हो, तब आपको भूगोल करना है, अन्यथा कार्टोग्राफी करना है। कौन सा करना है? कार्टोग्राफी यदि आपके था तो कार्टोग्राफी, अन्यथा क्या करना है? भूगोल करना है। ये आप कई क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन पर भी निर्भर करते हैं, कौन कौन दे रखे हैं इनके अनुसार, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो आप सबको पता है तेजस है जो भारत का हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, और एक बात और ध्यान रखना, जो भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन या कहे निजी ट्रेन है वो भी कौन सी है? तेजस नाम से ही चली है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, भगत सिंह ने सार्डस की हत्या क्यों की थी? ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, आप सबको पता है लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी? ये सार्डस जो अंग्रेज था उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने योग्य बात है, यानी आपके विद्युत, विद्युत का मतलब है आपको पता है करंट कहती है, लेकिन हो सकता है आपके कई बार करंट लाइट देना, हालांकि गलत है, लाइट देना बिल्कुल गलत है, लेकिन इस बार शायद तक लाइट दिया हुआ था, इसे बच्चे बोल रहे हैं कि करंट लिखा हुआ भी था साथ में इंग्लिश मीडियम में गए, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए था कि विद्युत किस में प्रवाहित नहीं हो सकती। तो आपको पता है सोना में हो सकती है, तांबा में हो सकती है, जल में हो सकती है, हवा में नहीं हो सकती है, और निर्वात भी ऑप्शन में था, तो हवा या निर्वात कोई भी जो भी आप कर सकते हो। और कई कह रही है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, वो कैसे आया था? ऐसा आया था कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? देखो क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, ध्यान से पढ़ना बच्चों, जो आपके कौन सा आया था वो आप कर देना, ठीक है, आप देख लेना। तो आपको पता है प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ये होती है, आप सबको पता ही है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। तो दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, आपकी आया कौन सा था वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो, कैसे आया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ हो गया 32, 32 होने का कारण आपको मालूम भी पड़ गया होगा, क्योंकि इसमें जो 32 हुए एक क्वेश्चन ये मैंने डबल दिया इस कारण हुआ है, और एक पीछे भी कई क्वेश्चन जो स्टूडेंटों ने प्रोवाइड किए, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रोवाइड किए, तो ये 32 क्वेश्चन हो गए। आज इस वीडियो में मैंने जीके और साइंस के पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। मैथ का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तथा आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं, और शीघ्र ही मैं रीजनिंग और जो है बच्चे वे मैथमेटिक्स के 4 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि हमारा 1000 टारगेट पूरा होने के बाद ही प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जो 1 जनवरी को हमारा नया मिशन शुरू होने वाला है उसमें भाग जरूर लेना आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।